जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 95% हिंदू रहते हैं, और जिस प्रकार पूर्व की कांग्रेस वीरभद्र सरकार ने हिंदुत्व के लिए, मंदिरों के लिए, गरीबों के लिए, गौओं के लिए हर वर्ग में काम किया है, हिंदुत्व कहने से आप नहीं होगा कि आप गौ मांस बेच लें और बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा दे दें और वो हिंदू हो, उस हिंदू को नहीं मानते हैं। हम विक्रमादित्य जैसे हिंदू को मानते हैं जिन्होंने सब विरोधों के बावजूद राम मंदिर के उद्घाटन के समय में पूरी जिद से वो वहां गए और उन्होंने पूरी तन्मयता से जो है अपना काम किया। कि अच्छी बात है, कंगना जो यहाँ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसने, वो सेलिब्रिटी है, वहाँ बॉम्बे में उन्होंने अच्छा काम किया, हम उनको देवी देवताओं की तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि वो बॉम्बे जाके दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। पर ये जो मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ विक्रमादित्य सिंह जो एक तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति की है, जिन्होंने काम किए हैं, देव सदन, अटल सदन, कला के अंदर ये जो कुल्लू का हमारा कॉलेज है, यहाँ गांव गांव में प्लस टू निकाला है, वीरभद्र सिंह जी के निकाले हुए 90% गांव गांव में स्कूल है जहाँ के आप हम सब पढ़ के, कंगना भी उन स्कूल से पढ़ी है, वो कहती है हम गरीब है, झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से कोई किसी का ये नहीं बनता है। वो कैसी गरीब है जो 25 करोड़ की कोठी कहीं लेती है, कहीं वो करोड़ों रुपए का मनाली में घर खरीदती है, इस तरह वो आपदा में देखो उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ हम कहते हैं कि हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो परिपक्वता तो उनमें राजनीति में बिल्कुल नहीं। जब वो भाषण देती है देव संस्कृति का नाम ज्यादा लेती है, क्या किए उन्होंने देव संस्कृति के लिए? 18 से 22 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक बात बताएं, हमने आपको आंकड़े बताए भी, कुल्लू का जो यहाँ अटल सदन है 26 करोड़ रुपए वीरभद्र सिंह जी ने दिया, 3 करोड़ का ये देव सदन बनाया, 31 करोड़ का मंडी में देव सदन बनाया, बिलासपुर में देव सदन बनाया, सोलन में 34 करोड़ का बनाया, चंबा में 14 करोड़ का बनाया और नाहन में 14 करोड़ रुपए का बनाया। ये क्या वीरभद्र कांग्रेस ने अपने लिए बनाया है? ये सारे काम जो है जनहित में है, हिंदुत्व को बचाने के लिए है।